God. गाड़ी ला रहे हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप कवर का यूज़ करके 1v4 क्लच कर सकते हो। गाइज, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपकी मिस्टेक्स देखी कि आप लोग कवर का यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप बंदे को मार दे रहे हो बट खुद 1 HP हो जा रहे हो, तो किस तरह से बिना डैमेज लिए आप बंदे को मार सकते हो। और आपके लिए एक टेक्निक लेके आया हूँ जिसके आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ, इस तरह से आपको खेलना है। मतलब आपको कब जंप करना है कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, आप बिना HP लूज किए उन्हें मार पाओ। और गाइज, दूसरी बात, अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बिना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, 1v4 क्लच करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि गाइज, मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी इंटेंस सिचुएशंस को हैंडल किया है, साथ ही साथ आपका एम बहुत अच्छा है, तो उसके बाद यही चीज़ आती है कॉन्फिडेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आपके फुल कॉन्फिडेंस होता है, तब आप 100% अपने माइंड को यूज़ कर पाते हो। आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, जैसे मैं जो ट्रिक्स बताता हूँ, जो आप ट्रिक्स खुद से सीखते हो, वो सब आपको याद रहता है। अब गाइज, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि गाइज कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट रिलेशन है छोटे छोटे मिस्टेक से। क्योंकि गाइज, आप लोग बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हो, जैसे मान लीजिए आप पे 4 बंदे रश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, पहले बंदे को मारने में ही 1/2 HP कर लेते हो, जिसकी वजह से बाकी 3 बंदों को बहुत आसान हो जाता है आपको मारना। और साथ ही साथ जब आप 1/2 HP या low HP होते हो, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, क्योंकि आपको भी पता चलता है कि 1 HP में मैं क्या ही 3 बंदे मारूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो लूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही आपको कॉन्कर करना है। उसके लिए आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कवर है, तो आपको एक छोटा पीक लेकर आना है। हमेशा पीक लेने की प्रैक्टिस करने के लिए आप TDM खेल सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और गाइज, साथ ही साथ आप 1-sided मूवमेंट यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कवर को मतलब इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि आप एक तरह स्मोक कर लो, मतलब ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये सब मैं आपको आगे एग्जाम्पल से बताऊँगा। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स गो। तो गाइज, पहले एग्जांपल में क्या होता है, गाड़ी हम पर रश कर रही होती है, और मैं एक गाड़ी मतलब एक बंदा गाड़ी से गिरा देता हूँ, और फिर मैं सीधे रश करने चले जाता हूँ क्योंकि सारे बंदे लो होते हैं। फिर इधर एक बंदा TV ले रहा होता है, इसमें मैं फ्री फायर देके मारता हूँ, फिर दूसरे बंदे को मतलब फ्लिक दिखा के मारता हूँ, और लास्ट वाले बंदे में प्रोन कर जाता हूँ। अब मैं प्रोन इसलिए किया था ताकि जो मेरा सरफेस एरिया पर कम हो जाए, क्योंकि मैं वैसे ही 1 tap था। अब गाइज, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, गाइज जैसे कि मैं इधर रश कर रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इधर रश कर रहा हूँ और इधर मेरा एम बिल्कुल उसके हेड पे है। अब उस बंदे को सामने नहीं आना चाहिए, उस बंदे को उधर ही रह के प्री फायर देना चाहिए, ताकि मैं उसके प्री फायर में आ जाऊँ और उसका टीममेट तभी उसे कवर दे दे, जिसकी वजह से वो हमारी इजीली वाइप कर दे। अगर कोई भी स्क्वाड आप पे रश कर रही है, तो आपको कभी भी उनके सामने नहीं आना है, क्योंकि उनका क्रॉसर वहीं होगा। इसलिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, जैसे कि मैं आपको TDM के थ्रू बताता हूँ, लेट्स गो। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा एग्जांपल में कि बिना कवर के आप मतलब अगर कवर का यूज़ सही से नहीं करोगे, तो आप मतलब आसानी से नॉक हो सकते हो। अब गाइज, कवर का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप राइट साइड कवर ले रहे हो और सामने से बंदे आ रहे हैं, तो आप 3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, तो आप पीक करके उसे तुरंत मारिए, चाहे पीक इधर से दीजिए चाहे ऐसे। दूसरी चीज़, आप क्या कर सकते हो, उसे कवर में आने दीजिए और आप ऐसे उसे प्री फायर में लेने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़, आप क्या कर सकते हो, उसे डैमेज दीजिए और सीधा जंप मार दीजिए, अब वो चाहे क्रॉसर हो चाहे एम हो कोई भी। तो गाइज, ये 3 चीज़ें आप मेनली कर सकते हो, और इसमें मैं सबसे जो मेरा फेवरेट है वो ऐसे वाला है, प्री फायर देने वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा आपको एक गोली नहीं मार पाएगा और वो इजीली नॉक हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। और गाइज, जंप आपको तभी यूज़ करना है जब मान लीजिए सामने वाला 1/2 HP या एक ही बंदा आ रहा है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक को मारोगे और दूसरा वाला आपको मार देगा। तो गाइज, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही 3 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। गाइज, अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बट आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं पहले वाले को प्रोन करके नॉक करता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे 2 तरफ से घेर रहे होते हैं, तो मैं इधर से इसको मतलब हीलिंग्स वगैरह ढूंढता हूँ, बट मुझे हीलिंग्स नहीं मिलती है। अब गाइज, इधर देखो, मैं बिल्कुल 0.1 HP हूँ और सामने से एक बंदा आ रहा है, मेरे पास मिनी है वो भी 15 गोलियों के साथ। अब गाइज, इधर मैंने आपको बताया था मैं 3 चीज़ें कर सकता हूँ, या तो उसे डैमेज दूँ खड़े होकर,
या दूसरी चीज़ उसको प्री फायर में लूँ या तीसरी चीज़ पर जंप कर दूँ। अब गाइस इधर जंप तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि जैसे ही मैं जंप करूँगा वो गोली चलाएगा और मैं एक गोली में मर जाऊँगा। अगर मेरी फुल एचपी होती तो मैं जंप यूज़ कर सकता था। दूसरी बात आ गई कि मैं उसके सामने जाके मारूँ तो गाइस उसके क्रॉस से मेरे मुँह पे होगा तो हो सकता है कि वो मुझे मारते। अब गाइज बसी कौन सी चीज़ कि मैं उसे प्री फायर में लूँ, बट गाइज मिनी में मैं प्री फायर भी इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, उसे छोटे से पीक लेके तीन गोलियां मार देता हूँ और फिर उसे बाकी गोलियां प्री फायर में मार देता हूँ, जिसकी वजह से वो इजीली मर जाता है और मिनी का डैमेज तो ज़्यादा होता ही है। तो गाइज इस तरह से मैंने उसे इजीली मैनेज किया मारने के लिए। मैंने क्या किया, दो चीज़ें यूज़ की, प्री फायर भी यूज़ किया और उसके सामने आके मतलब छोटा सा पीक लेके भी मारा। तो गाइज आप ऐसे मतलब मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने आपको तीन मैथ के फॉर्मूले बता दिए और आप कोई क्वेश्चन ले रहे हो और उसमें फॉर्मूले फिट कर रहे हो, मतलब समझ जाओ गाइज। तो गाइज इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होगे। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब इस एग्जांपल में क्या होता है, मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और उसे फिर मतलब नॉक ही छोड़ता हूँ और सोचता हूँ कि बाकी बंदे इसे बचाने आएंगे और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे आप देखिए मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, अब मैं आगे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ आसपास कि मुझे कोई और ना मार दे। अब इधर जैसे मैं पहुँचता हूँ मुझे फुटस्टेप्स आ जाते हैं तो इधर मैं कवर का यूज़ करता हूँ। अब गाइस इधर एक और प्रॉब्लम है कि वो तीन बंदे हैं और मेरे पास M16 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हें डैमेज देके वापस आ रहा हूँ। इधर एक बंदा आया होता है उसे मैं शॉटगन से पेल देता हूँ। अब गाइस इधर मैं दो गोलियां मार रहा हूँ वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इधर थोड़ा सा भी हाफ एचपी या लो एचपी हो गया तो वो लोग मेरे पे बिल्कुल चढ़ जाएंगे और मैं इजीली वाइप हो सकता हूँ। इसलिए मैं इधर बिल्कुल पेशेंस से काम लेता हूँ और देखो उधर लास्ट बंदा ओपन से आ रहा होता तो उसे मैं बिल्कुल दो दो गोलियां मार के इजीली वाइप करता हूँ। अब गाइस आपको जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी मारने की, आराम से कवर लीजिए, छोटा सा पीक लीजिए और आराम से मारिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि इधर मैं M16 चला रहा हूँ और M16 मैं थंब बटन यूज़ करता हूँ तो मेरा पीक बटन और जो थंब शूट बटन है दोनों सेम जगह पे है। तो एक तरह से मैं इधर टू ही फिंगर खेल रहा था क्योंकि मेरे को इधर शूट करने में और मूवमेंट देने में दोनों में एक ही फिंगर लग रही थी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे टू फिंगर हो चाहे थ्री फिंगर हो चाहे फाइव फिंगर हो, आप इधर आराम से मैनेज कर सकते हो हर चीज़। मतलब आप ये मत बोलिएगा कि मैं तो पीक यूज़ ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं टू फिंगर हूँ, मेरी मूवमेंट स्लो हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, आप इधर यूज़ कर सकते हो। अब गाइज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अच्छी तरह कवर का यूज़ करना सीख जाओगे और गाइज मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट तरीका कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपको आ जाना है TDM में इस जगह पे और इस जगह पे आके आपको कैम करना है। अब गाइज कैम पर होल्ड मतलब होल्ड करना है और आपको कैम पर होल्ड की मैं परिभाषा बता देता हूँ। कैम्प मतलब होता है कि सामने वाले को आपको पोजी नहीं पता और होल्ड का मतलब होता है कि सामने वाले को पोजी पता है फिर भी वो आप पर रश कर रहा है तो वो उसकी चॉइस है। तो गाइज होल्ड करना है आपको और करना क्या है, जैसे वो बंदा आप पे रश कर रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको वही तीन चीज़ें यूज़ करनी है, या तो आपको जंप करना है उस बंदे पे या तो आपको उस बंदे पे ऐसे मार के ऐसे वापस आना है कवर में, जैसे आप ऐसे करते हो कवर में ऐसे मार के वापस आ जाओ, या फिर आपको ऐसे प्री फायर देना ताकि वो आपके प्री फायर में आ जाए। अब इन तीन चीज़ों को यूज़ करके आपको उसे हर बार मारना है और गाइस जब भी आप मरोगे आपको सोचना है कि मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की थी, अगर मैं इस वाली की जगह अगर जंप यूज़ कर लेता तो क्या ज़्यादा बेटर रहता। तो इस तरह से आपको सोचना है तो आपको गाइस पूरी पता चल जाएगा कि कब आपको क्या करना है। गाइस मैं आपको बता दूंगा कि बंदा अगर ऐसे आ रहा हो तो आपको जंप करना है तो गाइस वो आप रट लोगे, उसमें कोई मजा नहीं है। इस तरह से आप सीखो, बस दिन का आधा घंटा कीजिए गाइस, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और क्योंकि मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि गाइस जो भी 1v4 क्लच होते हैं उनमें यही होता है कि चार बंदे आप पे ओपन से रश कर रहे होते हैं और इससे बेटर आइडिया कहीं भी नहीं होगा। अब गाइस होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको एक एग्जांपल से और दिखाता हूं, इसमें मैं मरा था बट इसमें आप समझ जाओगे कि अगर आप 1 HP में भी दो बंदे को, एक को नॉक और एक को वन टैप कर सकते हो तो बहुत है। अब गाइस इधर देखो दो बंदे आ रहे होते हैं और मेरे पास अभी भी हीलिंग नहीं होती है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बिल्कुल कैम कर लेता हूँ ताकि उनको मेरे फुटस्टेप्स ना मिले, क्योंकि गाइस आपको कैम भी करना पड़ेगा। मैं आपको आगे की एग्जांपल से बताऊंगा आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसमें मैं एक को मारता हूँ और फिर मैं वन टैप होता हूँ तो मैं बस उसे वेट कर रहा हूँ कि किसी तरह से वो मुझ पर रश कर दे और मैं एक चांस मिल जाए, क्योंकि अगर मैंने रश किया तो कोई चांस नहीं है जीतने का क्योंकि मैं वन टैप हूँ। तो मैं उसे बस डैमेज देके वापस आ रहा हूँ ताकि वो वेट हो जाए और जैसे ही मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूं तो लास्ट मोमेंट पे वो बेट हो जाता है। जैसे आप देखिए अब मैं उसे मारूंगा, अब वो मेरे पे लेफ्ट से रश कर देगा तो इस टाइम पे मुझे उसे गोली मारनी चाहिए थी। इधर मैं बिल्कुल हेड पे एम रखता हूं फिर भी वो मुझे मार देता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब गाइस इन सब की हेल्थ देखिएगा, एक को मैंने नॉक किया और एक को 1 HP किया है। मैं 1 HP होके ये सब कर रहा हूं तो ये बहुत है। अब आपको ये नहीं सोचना यार मैं नॉक कर सकता था, आपको इसे सीखना है कि मैं और क्या बेटर कर सकता था। मैं क्या कर सकता था, उस बंदे को थोड़ी गोलियां पहले मार देता और फिर ये चीज करता तो इजीली वो बंदा वाइप हो जाता, या फिर मेरे को उस पर डबल हेड ही देना चाहिए था, मैंने एक हेड और एक बॉडी मारा उसे। तो ये सब सोचना पड़ता है और ये सब सोचते सोचते ही आपका माइंड डेवलप होता है क्योंकि आप रट नहीं सकते हर सिचुएशन को, आपको सोचना आना चाहिए। तो मैंने आज आपको सिखा दिया कि किस तरह से आपको सोचा जाता है।
गाइज ये तो मैंने आपको बहुत छोटी चीज़ बताई है कि किस तरह से आपको सोचा जाता है। अगर आप खुद से ही सब सोचने लग जाओगे तो मेरी वीडियोस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक आपको समझा दिया है किस तरह से आपको कवर का यूज़ करना सीखना है। और गाइज मुझे लगता है एग्जाम्पल्स थोड़े कम थे, तो अगर आप चाहो तो मैं और एग्जाम्पल्स ला सकता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसे बताना किस तरह का था वीडियो, लाइक ज़रूर कर देना। लाइक का एम रखते हैं 10,000 लाइक्स, अगर आप सच में मेरे को दिल से चाहते हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।